हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज विकास वर्मा, आई एम प्रैक्टिसिंग मम्मी सेक्रेटरी। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कशन करेंगे कि किस तरह से डिजिटल सिग्नेचर को आप इनवॉइस पे यूज कर सकते हो। फ्रेंड्स, काफी बार ये प्रॉब्लम आती है कि डिजिटल सिग्नेचर्स के यूज नहीं करने के कारण हमें जो इनवॉइसेज है, इनवॉइसेज फिजिकल प्रिंट करना है और फिजिकल प्रिंट करके हम साइन करके स्कैन करके आप इनवॉइसेज को सेंड करते हो। बट एक ऑप्शन ये भी है कि आप अगर आपका पीडीएफ में इनवॉइस है और उस इनवॉइस पे आप डायरेक्टर का या फिर किसी भी प्रोपराइटर पार्टनर का डिजिटल सिग्नेचर लगा के भी क्लाइंट को आप सेंड कर सकते हो इनवॉइस। तो वहां पे किस तरह से एक इनवॉइस पे डिजिटल सिग्नेचर को आप अटैच करना है, आपको किस तरीके से अटैच करना है और उसका प्रोसेस क्या है, वो आपके साथ अभी शेयर करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको क्या करना है कि जो वर्ड फाइल में आपकी अगर इनवॉइस बन रखी है, उस वर्ड फाइल को आपको पीडीएफ में कन्वर्ट करना है। वो आप इजिली कर सकते हो, गूगल पे आप लिखोगे वर्ड टू पीडीएफ कन्वर्जन, तो उसमें आपको जो लिंक आएगा उस लिंक पे आपको वर्ड फाइल ड्रॉप करना है एंड अकॉर्डिंगली पीडीएफ में आपकी जो फाइल बन जाएगी, जो इनवॉइस है, तो उस इनवॉइस को आपको पीडीएफ में ओपन करना है। और पीडीएफ में यहाँ इस तरीके से शो होगा, मैं आपके साथ एक डमी इनवॉइस जो है वो आपके साथ शेयर करता हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर मान लीजिए आपका इस तरीके से कोई इनवॉइस है और इनवॉइस में नीचे नीचे यहाँ पे आपको श्री राधेन कंपनी, जहाँ पे आपका कंपनी का नेम है, वहां पे आपको डिजिटल सिग्नेचर अफिक्स करना है। जनरली क्या होता है कि हम इस इनवॉइस को प्रिंट लेते हैं और प्रिंट लेने के बाद साइन करते हैं। साइन होने के बाद हम उसको स्कैन करके क्लाइंट को या किसी भी आपकी पार्टी को सेंड करते हो। बट डिजिटल सिग्नेचर से आपका काम इजी हो गया कि आपको पेपर जो है, पेपर पे प्रिंट लेने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ आपको पीडीएफ में कन्वर्ट करना है। उस पीडीएफ में कन्वर्ट करने के बाद में यहाँ पे नीचे आप ऑथराइज सिग्नेटरी में डिजिटल सिग्नेचर भी आप अटैच कर सकते हो, प्रोपराइटर का, पार्टनर का, डायरेक्टर का या कोई भी ऑथराइज सिग्नेटरी का। फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसे ही आपने पीडीएफ में ओपन किया तो पीडीएफ का जो पेज है वो इस तरह से ओपन होगा और यहाँ पे आपको फाइंड टेक्स्ट और टूल्स का ऑप्शन है। यहाँ पे आप लिखिए डिजिटली, DIGI, सिर्फ डिजिटल साइन में आपको जाना है। और यहाँ पे जैसे ही आपने DIGI टाइप किया, डिजिटली साइन का ऑप्शन आ गया और उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आपने क्लिक किया, एक यहाँ पे जहाँ पे भी आपको DSC अफिक्स करना है वहां पे आपको एक बॉक्स बनाना है और इस तरह का कर्सर आपके यहाँ पे शो होगा। जैसे यहाँ आपको वो बॉक्स बनाना है और इस पर डिजिटल सिग्नेचर करना है। तो जैसे ही आपने इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद ऑटोमेटिकली उसने फेच कर लिया कि यहाँ पे आपको डिजिटल साइन करना है, साइन विद डिजिटल आईडी। जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया मेरे नेम से, यहाँ पे कंटिन्यू किया, साइन किया, साइन करने के बाद में इसको आपने सेव, यस यस करने के बाद में यहाँ पे आपका जो डिजिटल सिग्नेचर है वो अफिक्स हो सकता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने पासवर्ड अभी ऑलरेडी सेव कर रखा था, इसीलिए मुझे पासवर्ड या पिन जो है डिजिटल सिग्नेचर का वो उसने नहीं पूछा है। बट आप अगर फ्रेश DSC लगा रहे हो किसी भी इनवॉइस में तो यहाँ पे आपको पासवर्ड लगाना या पिन लगाना वो मैंडेटरी है, तो उसी के बाद आपका डिजिटल सिग्नेचर यहाँ पे अफिक्स होगा। काफी बार फ्रेंड्स क्या होता है कि डिजिटल सिग्नेचर में काफी बार प्रॉब्लम्स आती है कि आप डिजिटल सिग्नेचर नहीं लगा सकते, तो उसका रीजन ये भी हो सकता है कि आप एडोब एक्रोबेट या एडोब रीडर का पुराना वर्जन यूज कर रहे हो, उसके कारण वहां पे ऑप्शन आपको शो नहीं हो रहा। बट यहाँ पे आपका लेटेस्ट वर्जन में आप यहाँ पे फाइन टेक्स और टूल्स में आप जाते हो और डिजिटली साइन यहाँ पे ऑप्शन है उस पर क्लिक करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली बॉक्स क्रिएट करने का ऑप्शन आ जाएगा। फ्रेंड्स, अब इस पे डिजिटल सिग्नेचर अभी ऑलरेडी लग चुका है, इस पे आप राइट क्लिक करके शो सिग्नेचर प्रॉपर्टीज में आप चेक कर सकते हो सिग्नेचर वॉज वैलिडेटेड एज ऑफ साइनिंग टाइम। यहाँ पे 13th ऑफ मार्च, आज की डेट भी आ रही है कि जिस दिन इन्होंने DSC लगाया है और किस टाइम पे इन्होंने DSC लगाया है किसी भी पार्टी ने, वो आप क्रॉस चेक कर सकते हो। फ्रेंड्स, तो DSC लगाना काफी इजी प्रोसेस है, तो कोशिश ये करिए कि किसी भी टाइम फिजिकल इनवॉइसेज आप डिलीवर नहीं कर पा रहे हो तो आप जो है इनवॉइस 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 जो है वो आप ऑनलाइन क्रिएट कर सकते हो वर्ड फाइल में। वर्ड फाइल से पीडीएफ में कन्वर्ट करने के बाद में आप उस पीडीएफ में डिजिटली साइंड इनवॉइस भी क्लाइंट को सेंड कर सकते हो, पार्टी को सेंड कर सकते हो। फिजिकल प्रिंट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इनवॉइस के लिए। फ्रेंड्स, DSC को लेके अगर कोई इश्यू आता है आपको इनवॉइस में अफिक्स करने में या फिर किसी ई फॉर्म में, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।